good to see all of you and welcome back to my YouTube learning channel for mathematics class 9. So, आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरम 6.3. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल. थ्योरम में कह रहा है कि हमारे पास टू लाइंस हैं लाइक ए बी एंड सी बी और एक ट्रांसवर्सल है जो कि इन दोनों लाइंस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करती है. सो हेयर द ट्रांसवर्सल इज अवर लाइन एल. लाइन एल जो है दैट इज अवर ट्रांसवर्सल. नाउ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल. थ्योरम में क्या है कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं लाइक ये एंगल और ये वाला एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा जेड की फॉर्म में रहते हैं लाइक दिस एंगल एंड दिस एंगल. सो यहां पर जेड बन रहा है, एक बार ध्यान से देख लेंगे, ये आपका जेड बन रहा है. नाम दे देते हैं, दिस इज वन एंड दिस इज टू, दिस एंगल इज थ्री, दिस एंगल इज फोर, दिस एंगल इज फाइव एंड लेट दिस एंगल बी सिक्स. नाउ थ्योरम में हमें कहा गया है दैट एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू. एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू. तो हमें प्रूव करना है दैट द टू लाइंस आर पैरेलल, यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के. तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को. सो टू प्रूफ में सबसे पहले हम लिख देते हैं हमें क्या प्रूफ करना है. नाउ वी हैव टू प्रूफ दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. और अब हम अपने प्रूफ को स्टार्ट करेंगे. सो गिवन, थ्योरम में हमें गिवन है दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल है. और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहां पर हैं एंगल वन और एंगल टू. इट मींस एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू बिकॉज इट इज गिवन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज एंगल टू जो है आपका वो ध्यान से देखेंगे एंगल फाइव के बराबर है. इस तरीके से फिगर बन रहा है और एंगल टू ये था. सो दिस इज योर एंगल फाइव. एंगल टू एंगल फाइव के बराबर क्यों है? बिकॉज दीज आर योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एक्स बन रहा है आपका और जब भी एक्स बनेगा वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. इट मीन्स एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फाइव. और रीजन हम लिखेंगे दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ना यहां पर आप देख रहे हैं कि एंगल वन जो है वो एंगल टू के बराबर है और एंगल टू जो है वो एंगल फाइव के बराबर है. इसको वन नाम दे दीजिए और इसको टू नाम दे दीजिए. तो बेसिकली यहां पर एंगल वन जो है वो एंगल फाइव के बराबर है. तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं दैट एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल फाइव. और यहां पर हम देख सकते हैं कि एंगल वन और एंगल फाइव कौन सा है. सो दिस इज योर एंगल वन. इसको कुछ समय के लिए हटा देते हैं अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन. दिस इज एंगल वन एंड दिस इज योर एंगल फाइव, ये वाला. यानी कि एंगल वन जो है वो एंगल फाइव के बराबर है और एंगल वन एंगल फाइव के बराबर तभी हो सकता है जब लाइन ए बी जो है वो लाइन सी डी के पैरेलल. सो इट इज पॉसिबल, यहां ब्रैकेट में हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी. एंगल वन एंगल फाइव के बराबर तभी होगा जब लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है, क्योंकि एंगल वन और एंगल फाइव कैसे हैं हमारे, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. And hence, in this way, your theorem is proved. So, if you have any doubts in this, then you can message me. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you.